वंदे मातरम। अर्सेनिक हाउसिंग के अंतर्गत अर्सेनिक टाउन को हमने लॉन्च किया है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार मात्र 15% हाउसिंग सेटिस्फेक्शन है। मैं अपने बारे में सबसे पहले बताना चाहूंगा, मैं भी जब भर्ती हुआ था 21 साल की नौकरी के दौरान मैं घर नहीं बना पाया। इसी चीज से प्रेरित होकर और हाउसिंग सेटिस्फेक्शन की नीड को देखते हुए हमने अर्धसैनिक हाउसिंग में अर्धसैनिक टाउन लॉन्च कर रहे हैं। लगभग 40 शहरों में हमने इसकी शुरुआत की है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर एक जवान जैसे आज जो भर्ती होता है और आज इन्हीं 40 लोकेशन में कहीं एक अपना घर एक प्लॉट ले ले और रिटायरमेंट से पहले उसे अगर वो घर मिल जाता है तो मुझे लगता है हमारे फौजी भाइयों के लिए इससे बेहतर अवसर हो ही नहीं सकता। और मेरा सुझाव है सभी जवानों के लिए कि यदि अभी तक आज तक आपने कोई घर या प्लॉट नहीं लिया, कृपया जरूर ले। और ये अर्धसैनिक वेलफेयर ट्रस्ट के अंतर्गत ये मुहिम आरंभ की गई है और जैसे कि हम पिछले 7 सालों से जवानों के रिहैबिलिटेशन के लिए कई कार्यक्रम चला रहे हैं, कई प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें हमारा मुख्यतः अर्धसैनिक कैंटीन के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर भी खुलवा रहे हैं और उसके बाद अब अर्धसैनिक फार्मेसी भी हमने आरंभ कर दी है। और अब अर्धसैनिक हाउसिंग के अंतर्गत हमारा उद्देश्य यही है कि हम 40 शहरों को अभी हमने इनिशियल मार्क किया है, अर्धसैनिक टाउन बसाएंगे और ये सारे टाउन बिल्कुल फौजियों के कैंप की तरह होंगे। उसमें कैंटीन की सुविधा, फार्मेसी की सुविधा और साथ साथ स्कूल की सुविधा भी होगी। उसमें अर्धसैनिक मैस एक क्लब भी बनाया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्धसैनिक टाउन का मुख्य एक ही उद्देश्य है कि हमारे फौजी भाइयों की जवानों के घरों की हाउसिंग की नीड को पूरा किया जा सके और हर जवान के पास रिटायरमेंट से पहले एक घर होना चाहिए। यही एक हमारा लक्ष्य है और यही उद्देश्य है। मैं मानता हूं कि हम सब फौजी भाई मिलकर इस सपने को, जवानों के घर के सपने को पूरा कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।